बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध पशु को काट कर बेचने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 गाय और 4 बछड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 2 बड़े सुएं और 2 बड़े चाकू भी बरामद किए हैं। चारों आरोपियों की पहचान मुर्तजा अली, अंसार अजीम और मोहम्मद बिलाल के रूप में हुई है। अंसार कसाई इस गिरोह का मास्टर माइंड है। बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि जिले के निवासियों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए दिल्ली में गौ हत्या की बढ़ती घटनाओं की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सभी थानों को निर्देश दिए थे और अवैध गौ हत्या पर निगरानी रखने के लिए कहा था। इसी दौरान भलसवा डेयरी थाना पुलिस को गौ हत्या से संबंधित एक सूचना मिली थी कि कुछ कसाई एक गोदाम में गायों और बछड़ों को रखे हुए हैं और उनको काट कर मांस बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर स्वरूप नगर एक्सटेंशन के गोदाम में छापा मारा। छापेमारी के दौरान गोदाम के अंदर 4 लोग मिले जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने आवश्यक दल बल का प्रयोग करके चारों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस को उस गोदाम से 6 गायें और 4 बछड़े बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस को 2 बड़ी धारदार सुएं और 2 धारदार चाकू भी बरामद किए गए। चारों आरोपियों की पहचान मुर्तजा अली, अंसार अजीम और मोहम्मद बिलाल के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि अनुसार ही इस रैकेट का मास्टर माइंड है और उसने 15 दिन पहले ही एक गोदाम किराए पर लिया था। मेट्रो बिहार निवासी गुड्डू उन्हें गायों और बछड़ों की सप्लाई करता था, जिसके बाद वह उनको मारकर शादाब को जाफराबाद और उसके साथियों को बेच देते थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और इन चारों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध पशुओं को काटकर उनका मांस बेचने वाले गिरोह के 4 आरोपी एक गोदाम में 6 गाय और 4 बछड़ों को काटकर उनका मांस बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस को उनकी सूचना मिल गई और पुलिस ने छापा मारकर चारों कसाई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवा, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।